पिछले कई सालों से हीरानगर के सांझी मोड़ में दुकानें और खोखे कर रहे लोग अपनी मांगों को लेकर 2 महीनों से धरने प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन से अपना हक मांग रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को गिराए जाने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कार्रवाई जारी रखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर हीरानगर तहसील प्रशासन ने सांझी मोड़ पर हुए दुकानों और खोखों के अवैध निर्माण को गिराया था। वहीं दुकानों और खोखों के मालिक अपने परिवार और बच्चों समेत धरने पर बैठकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। हमें क्या चाहिए, 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 हमें क्या चाहिए। नाम राज सिंह है, हम मेरा नाम राज सिंह है, लेकिन हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि तो हमारा जो रोजगार है वो लगभग 2 महीने से हमारा सीन उखड़ गया सब कुछ। जहाँ जो जो हम पीछे जो जगह है वहाँ PW की जगह थी, वहाँ काम कर रहे थे और DC साहब के निर्देश के मुताबिक हमें लगभग 2 महीने से वहाँ से उठा दिया गया है। हम DC साहब से यही बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें जैसे कठुआ आपने लोगों को बैठने की जगह दी है, वैसे हमें भी जहाँ बैठने की परमिशन दी जाए ताकि हम भी अपने परिवार का रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकें। जी हमारे जो बच्चे हैं लगभग 2-3 महीने जो गया उनकी फीस दी हुई, स्कूल वालों ने बच्चों को तो बाहर निकाल दिया, बैंक वालों से लोन लिए हुए हैं, बैंक वाले हमें बार बार उसको दे रहे हैं क्या उसका दे रहे हैं हमारे किस्त चुकाओ, बिजली का हमने कनेक्शन लिया हुआ है, बिजली वाले बार बार हमें तंग कर रहे हैं, हम कहाँ से देंगे, गरीब लोग हैं। हमारी DC साहब से यही बार बार रिक्वेस्ट है कि हमें जहाँ पे बैठने का मौका दिए। हमारा एक डेपुटेशन DC साहब को मिला था आज से 2 महीने पहले, उन्होंने हमारे पास गए थे, उन्होंने बोला हमें जगह बताइए, हम वहाँ वहाँ पे आपको सेटल करेंगे। हमने उनको जगह बताया था जो हमारे जहाँ वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ PW की जगह है, वहाँ पे हमें काम करने का मौका दिया। उन्होंने कहा मुझे मैं मौके पे आऊँगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को सेटल करूँगा, लेकिन DC साहब ने हमें आश्वासन दिया लेकिन DC साहब वहाँ पे मौके पे नहीं आए और SDM को बोल के और हमें हमारे जो मुख्य हैं जो डिस्पेंड कर। देखिए इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, जो DC साहब हैं अगर वो चाहते जितनी ऊपर से उन्हें डायरेक्शन दिया है, एडवाइजर ने उनको डायरेक्शन दी हुई है और डिविजनल कमिश्नर साहब ने उनको डायरेक्शन दी है, DC साहब हमें सेटल कर सकते हैं, लेकिन DC साहब ने पता नहीं हमारे गरीब लोगों के साथ क्या दुश्मनी है, गरीब लोगों के साथ जो उन्होंने सिर्फ हमें जबरदस्ती मांग रहे, हम उनसे परमानेंट नहीं मांग रहे, हम रेंट देने के लिए तैयार है, हमें बैठने के जहां मौका दिए जाए गवर्नमेंट से। कि आपने जो 3 मुद्दे रखे हैं कि कचरा, सरकारी लैंड और इंक्लोजमेंट का, हमारे जहां लाखों की तादाद में सरकारी लैंड है जो कि जहां हमारे पास यहां कुचरों की बुनियाडी में और पानसर में जो ली हुई जमीन है उन पर अभी तक कोई SDM, कोई तहसीलदार साहब या किसी ने भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये सरकारी लैंड जो हम लोगों से छुड़ा रहे हैं ये किसको देनी है, गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए हैं या इनको कोई प्लान है कि ये कुचरों को बसाएंगे, क्योंकि जो विजयपुर में इन्होंने अपना मुद्दा उठाया था कि हमने उधर एम्स बनाना है, उसके लिए इन्होंने गुजर कमेटी को उठाने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया दिया और उनको रहने के लिए जमीन दी। ये जाति बिल्कुल हमारे साथ हो रही है और मैं उम्मीद चाहता हूँ कि ये नौजवान जो लड़के हैं, हमारा पंजाब बिल्कुल पास में पड़ता है, मुझे लग रहा है कि सरकार और डिपार्टमेंट हमारे नौजवानों की दिशा को भटका रहे हैं, क्योंकि जहाँ से स्मगलिंग का रास्ता होता है, जहाँ पे बुक्की चिट्टा वगैरह सारा कुछ जहाँ से स्मगलिंग होता है, हो सकता है कि जो 200-300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला नौजवान है वो मजबूर होकर 40-50 दिन से बेरोजगार होकर कहीं गलत राह पे ना चुके। अगर ये गलत राह पर जाएंगे तो ये हमारी सरकार का और डिपार्टमेंट का कसूर होगा। मेरा नाम जवाहर जशपाल बनियारी जी जी। जहाँ 60 दिन से ये धरना चल रहा है जी जी, मेरा बेटा जहाँ काम करता था 60 दिन से बेरोजगार है। हम DC कठुआ से भी गए, SDM तहसीलदार हीरानगर मरीन में भी मिले,
लेकिन हमारी अभी तक किसी ने भी सुनवाई नहीं। डी साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम जो जगह चार कनाल सतारा मरले जहां हम आपको खोखे लगवाने के लिए जगह देंगे, लेकिन नहीं दी। हम चाहते हैं कि डीसी साहब जहां आए देखें ये जगह। मेरा ख्याल है एक सांझी राम थे जिनके नाम पे ये अड्डा बनाया सांझी मोड़, उन्होंने जहां एक कुल्ली बनाई थी, वो अपना दुकान चलाते थे, कुल्ली बना के रोजगार चलाते थे, अपना फैमिली चलाया उन्होंने। उसके बाद ये खोखे बने, वो तो बेचारे स्वर्गवास हो गए जिनके नाम पे ये चौक बना सांझी मोड़। अब डीसी साहब, हम चाहते हैं कि डीसी साहब आए, कम से कम हमें जहां लाड करें अपने हिसाब से जगह, जो किराया बनेगा अगर पीडब्ल्यूडी की जो जगह है किराया जितना जितना वो करेंगे लाड हम देंगे। उसके बजाय जब भी उनको जरूरत होगी कोई पीडब्ल्यूडी वाला कोई बनाना होगा उनको हम खाली कर देंगे, हम एग्रीमेंट देते हैं लिख के। कम से कम ये जो लोग बेगार हुए हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, इनको फीस देना कैसे देंगे जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला कि जहां पंजाब लगता है स्मगलिंग होती है, चिट्टा आता है, कुकी आती है, कैसा ऐसा ना हो कि ये जो नौजवान लड़के काम कर रहे हैं इनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो गलत रास्ते पे चलेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम हमारी जो मसले हैं इनको तो देखो, क्या इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? डीसी कठुआ साहब से कोई बड़ी बात नहीं, जे वो कर सकते हैं लाड, क्योंकि डीसी के अंडर ही है सब कुछ, पीडब्ल्यूडी रेवेन्यू वगैरह उनको पता है कहाँ खाली। मैं बनिया देता हूँ, वहां 400 प्लस कनाल जगह है, वहां गुजरों के डेरे लगे हैं। इन्होंने 3 महीने कैंप लगाया, लंगर चलता था वहां के, वो जगह उसको करके पैमाइश करके इनसे निकालेंगे, लेकिन निकालना क्या, वो उन्होंने और बढ़ा ली। लेकिन ये खोखे ना उन्होंने एक दिन में ही 10 मिनट में वो मशीन लगा के तोड़ दिए। एक दिन का मोहलत मांगा था कि हमें जो हमारा सामान है हम खोखे उठा लेंगे, लेकिन नहीं, एक दिन में। क्या ये गरीब जनता जो काम कर रही है ये गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे? बच्चे जाएंगे जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये हमारा मसला हल हो जाए, ये जो बेकार हुए हैं लोग ये फिर काम करें ताकि अपनी फैमिली को चलाएं। ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना पत्थरबाज तैयार हो जाता है, वो फिर यहीं से होगा। हीरानगर से मोहन शर्मा, ऑल इंडिया न्यूज़।